हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे। और बताना चाहूँगा, आज जो मैं नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ, उन नोटिफिकेशन है SJVN लिमिटेड की। इसमें कुछ वैकेंसीज निकली है, उसका जो ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बताना चाहूँगा, इसमें कोई कुछ भी फालतू चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो जनरल इन्फॉर्मेशन है SJVN के बारे में, कितना वो प्रोजेक्ट लगा रहे सोलर और विंड के लिए, और सोलर और विंड उसी उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए हायरिंग कर रहे हैं अभी। यहाँ पे आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, इनकी जो इन्होंने जो अपना टारगेट रखा हुआ है अचीव करने के लिए, ये 5,000 मेगावाट कैपेसिटी इन्होंने 2023 तक मतलब ये चाहते हैं कितना इंस्टॉलेशन हो जाए प्रोजेक्ट्स की, सोलर और विंड की। और यहाँ पे दे सकते हैं, और 2030 तक इन्होंने रखा है 12,000 मेगावाट का, और 2040 तक इन्होंने सोचा हुआ है कि ये अपना 25,000 मेगावाट के जो प्लांट सेटअप कर देंगे गाइस। तो बताना चाहूँगा, ये जो वैकेंसी है टोटली एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। द कंपनी इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर प्रोफेशनल हैविंग एक्सपीरियंस इन सोलर एंड विंड पावर जनरेशन। तो इनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस होगा सोलर और विंड में। तो इसमें एक्सपीरियंस कितना चाहिए, और ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पोस्ट भरी जाएगी टेम्पररी बेसिस पे भरी जाएगी, ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 ईयर के लिए कैंडिडेट्स को रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ना, 2 साल के लिए जो है बढ़ा सकते हैं अगर इनके पास वर्क रिक्वायरमेंट होगी, इनको रिक्रूटमेंट वर्क रिक्वायरमेंट अगर और होगी तो। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ कि ये एक्सटेंड नहीं होगा, अगर मतलब आप इसमें कोई भी क्लेम नहीं कर सकते कि हमें दोबारा से रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट, जो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए रहती है किस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं जो इनको चाहिए, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है, इसमें 4 वैकेंसी है, 2 कैंडिडेट चाहिए इनको सोलर के लिए और 2 कैंडिडेट चाहिए विंड के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी, फुल टाइम एंड रेगुलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल 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 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर कैंडिडेट से आप फुल टाइम आपने डिग्री की है बीटेक इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उसके इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। और बताना चाहूँगा, इसमें मिनिमम जो एक्सपीरियंस दिया हुआ है, आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें 2 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस सोलर और विंड में। एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ सोलर और विंड में ही आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपकी जो अपर एज लिमिट होनी चाहिए वो 30 ईयर्स होनी चाहिए, इससे एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए गाइज। तो आइए बात करते हैं फील्ड इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। जो फील्ड इंजीनियर मैकेनिकल की यहाँ पे टोटल वैकेंसी आउट हुई है, टोटल वैकेंसी आउट हुई है इसमें 4 वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज इसमें सोलर के लिए और 2 वैकेंसी इसमें विंड के लिए। इसमें भी इन्होंने बोला हुआ कि फुल टाइम डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग गाइस, किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके लिए भी आपको 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसके लिए, सोलर और विंड में ही आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना, तभी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और सेम इसमें अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है गाइस। और यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो कि एक्सपीरियंस जो रहेगा किस किस फील्ड में होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब ये जो डेजिग्नेशन देंगे आपको, देंगे फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी, इसमें टोटल जो आपका अमाउंट रहेगा वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, कितना देंगे ये आपको, ये 66,000 रुपीज़ देंगे गाइस। और अगर आपने ये पूरी नोटिफिकेशन पढ़नी है तो कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे और भी इनकी कंडीशंस है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। इन्होंने लिखा हुआ जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दीज पोस्ट कंसिस्ट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। जो सिलेक्शन होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे होगा, विच विल बी हेल्ड एट कॉरपोरेट हेड क्वार्टर शिमला। इसका जो इंटरव्यू होगा वो शिमला में होगा, इसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम मतलब जो रहता है एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे ही इन्होंने कैंडिडेट्स रखने का इस।
यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो गाइज, यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन का क्राइटेरिया दिया है, रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC NCL एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए। इसमें इन्होंने जो वैकेंसी दी है उसके बारे में लिखा, जैसे फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए इनके पास टोटल 4 वैकेंसी है, आउट ऑफ दैट OBC के लिए एक पोस्ट है और अनरिजर्व्ड के लिए 3। सेम इसमें मैकेनिकल में भी है, 4 पोस्ट है और OBC की एक वैकेंसी और अनरिजर्व्ड की 3। और इसमें नीचे भी इन्होंने दिया रिजर्वेशन पर PWD कैंडिडेट्स। अब आप देख सकते हो PWD कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने क्या जो इनकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों के लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों के लिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, जैसे PWD कैंडिडेट्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, PWD कैंडिडेट्स के लिए क्या होना चाहिए। जैसे इन्होंने दिया हुआ कि फील्ड इंजीनियर सोलर में OH या मतलब डिसेबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज इन कैंडिडेट्स में, तो OH मीन्स 1 लैग या हियरिंग हैंडीकैप्ड या इससे बिलोंग करते हो, तो इनके लिए जो स्पेशल बेनिफिट्स रहेंगे। इन्होंने बोला हुआ नो पोस्ट शैल बी रिजर्व टू PWD कैंडिडेट्स, इन्होंने बोला PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, हाउ एवर द पोस्ट आइडेंटिफाइड फॉर PW विल बी एज फॉलो। इन्होंने बोला हुआ कि PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है गाइस। तो इनकी आगे की जो बहुत सारी कंडीशंस है ये आप PDF मतलब आपको दे दूंगा, उसमें आप ये जो पढ़ सकते हो गाइस। इसके बाद यहाँ पे आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है उसकी सारी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसके लिए आपने अप्लाई क्या करना है कि इनके ऊपर से आज ही से इनकी साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इसने इसने लिखा एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू SJVN वेबसाइट, और इन्होंने साफ साफ लिखा नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, किसी अदर मोड से आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, इसी के थ्रू आपने मतलब ऑनलाइन ही आपने फिल करना है। देखो इन्होंने कंडीशन भी दिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो क्या रहेगा, आपके पास क्या ना वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बी शुड रिमेन वैलिड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, ये कंडीशन दी। पर्सनल डिटेल्स एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड अ डेबिट क्रेडिट क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स बाई विच द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इज, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस क्या दी हुई इन्होंने 450 रुपीज़, बट जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें कोई फीस नहीं है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल पे, ये फीस पेड होगी, वहाँ पे आप कर सकते हो। बाकी जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया किस टाइप में आप अपने सिग्नेचर किस फॉर्मेट में आपने अपलोड करने हैं, बाकी कंडीशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो गाइस। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो गाइस।